हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं वित्तीय स्थिति के कारण, मुख्यमंत्री बार बार इस सारी चीज को अलग तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री जी बहुत हो लिया, 20 महीने बीत गए आपके, आप इस सारी चीज के लिए दोषी कभी जयराम ठाकुर को और कभी दोषी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को ठहराते हैं। अब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। जब तक हमारी सरकार थी तो हमने जिम्मेवारी के साथ काम किया, समय पर सैलरी दी, समय पर पेंशन दी, जबकि कोविड जैसा एक इस तरह का बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने था, देश के सामने था और प्रदेश के सामने भी था, लेकिन समय पर सैलरी मिली, समय पर पेंशन मिली, विकास के कार्य लगातार चलते रहे, संस्थान बंद नहीं किए, अंधाधुंध टैक्सेस नहीं लगाए, और यहां मुख्यमंत्री लगातार पहले दिन से शुरुआत किए हुए हैं। कभी संस्थान बंद करने का वो दौर जो चला था वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, 20 महीने बीत गए, 2 साल होने वाले हैं सरकार के। टैक्सेस के जो लगातार वैट की इंक्रीज के साथ उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद लगातार, चाहे वो अब पानी का बिल है, चाहे वो बिजली का बिल है, आज भी मानसून सत्र का अंतिम दिन है, आज भी हिमाचल प्रदेश में बिजली को महंगा करके लोगों के ऊपर और बोझ डाल दिया। मेरा कहना है कि इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आपका जनरेट नहीं हो पाएगा। आपने वाटर सेस की अनाउंसमेंट की, वाटर सेस का कमीशन कर दिया, बना दिया, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिया और कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। आपने जो इंडस्ट्री सेक्टर में जो है वो एक बहुत बड़ी हाइक दे दी इसमें इलेक्ट्रिसिटी के इसमें चार्जेस में, और उसका उसके उसके बारे में भी कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की, और अभी भी आप लगातार ऐसी चीजें करते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाकर के वो कोर्ट में स्टक डाउन होती जा रही है। प्रदेश को आखिरकार 2 साल का जो कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का, उसमें हासिल क्या हुआ? संस्थान बंद, विकास कार्य बंद और लोगों के ऊपर लगातार टैक्सेस का बोझ, यही हासिल हुआ है प्रदेश को। और ऐसी सूरत में अभी इस मानसून सत्र के दौरान भी आपने देखा होगा कि हिमाचल में ऐसी स्थिति बन गई जब कर्मचारियों को सैलरी 1 तारीख के बदले 6 तारीख को मिलने की बात हुई और पेंशन जो है 1 तारीख के बदले 10 तारीख को, यानी कि 10 तारीख को और 6 तारीख को सैलरी और पेंशन देने की बात यह है कि दोनों चीजों के लिए केंद्र सरकार से जब राशि आएगी तब जाकर के वो प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी दे पाएंगे। जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की 520 की जो 520 करोड़ की किस्त आएगी तो कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी, और उसके अलावा जब सेंट्रल टैक्सेस का शेयर जो है वो स्टेट को जो मिलेगा, स्टेट शेयर, तो वो लगभग 750 करोड़ मिलेगा, तो जब वो आएगा तो तब जाकर के हम कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को पेंशन दे पाएंगे। ये तो स्थिति बन गई है, यानी कि जितने भी जो ये सारे इनके जो कदम है वो हास्यास्पद स्थिति में है आज की तारीख में। और कुल मिलाकर के हमने विधानसभा के अंदर सारे मामलों को इस सत्र के दौरान उठाया है, प्रभावी ढंग से उठाया है, अभी भी आज चर्चा चली है और ये चर्चा बहुत पहले होनी चाहिए थी। हमने जो रेजुलेशन 67 के अंतर्गत लाया था स्थगन प्रस्ताव के रूप में, जिसको स्वीकार नहीं किया गया, और जिसको स्वीकार न करने के बाद आपने देखा कि पूरे देश भर में हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो गई और हम अभी कर रहे हैं, 1 सप्ताह बात कर रहे हैं, 10 दिन के बाद कर रहे हैं। तो ये स्थिति, हास्यास्पद स्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार की है, और मैं यही कहूँगा कि हिमाचल के लिए ये बहुत पीड़ा का विषय है कि जब इस आर्थिक संकट में सरकार ऐसे फैसले कर रही है जिन फैसलों से प्रदेश की आय की बढ़ोतरी तो हो नहीं पाएगी, लेकिन गरीब लोग कर्ज के नीचे दब करके रह जाएंगे। सर,
कल से विवाद को लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन की कॉल है, सदन में भी ये मामला उठा है, लेकिन मंत्री के तेवर अब थोड़ा नरम लग रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा सीधा कह रहा हूँ कि मंत्री ने जो पहली बार विधानसभा के अंदर कही बात वो हकीकत थी और अपनी पीड़ा को दर्शाया उनने, और क्या हुआ उसके बाद फिर वो मामला कांग्रेस पार्टी की हाईकमान तक पहुंच गया, ऊपर तक पहुंच गया, और वो बयान ऊपर तक पहुंचने के बाद फिर डांट पड़ गई, मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने की बात आ गई और मंत्री जी अब सहमे हुए हैं और मुख्यमंत्री सारी चीज़ों को गोलमोल कर रहे हैं। मैंने आज भी विधानसभा के अंदर सारे मामले को लेकर के कहा है कि जनभावना है, उनको आप रोक नहीं सकते हैं, और पूरा हिंदू समाज जागृत होकर के सड़कों पर निकला है, ना कोई नेता था ना कोई पार्टी थी वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद निकले। अब 11 तारीख को यानी कि कल भी इस प्रकार के प्रदर्शन की जो खबरें हमको मिली हैं उसमें भी जो है वो हिंदू समाज के लोग जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा प्रदर्शन शांतिप्रिय हो, और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि शांतिप्रिय ढंग से सारी चीज़ों को हैंडल किया जाए। और मैंने जो विशेष तौर से एक बात कही है, जो बात वहाँ पर वो स्ट्रक्चर को लेकर के कही जा रही है, मेरा उसमें कहना यह है कि सरकार कह रही है कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश में हजारों जगह है, उस नज़रिए से ना देखा जाए, इस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के साथ लोगों की भावनाएं जो है वो आहत हुई हैं, इसलिए लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस पे अलग तरह से जल्दी में फैसला लेकर के कार्यवाही करें। आपकी पार्टी के क्या स्टैंड रहने वाला, जबकि ये मामला काफी पेचीदा है, सारी सरकारों में कंस्ट्रक्शन होती रही है, पार्टी का स्टैंड का कोई अलग थोड़ी, हमारा कहना है कि लीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, वो गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी सी बात है। आज मानसून सत्र का ये अंतिम दिन है, लेकिन अंतिम दिन भी जो है वो प्रदेश के लोगों को बिजली के करंट के दौर में से गुजरना पड़ रहा है, यानी कि बिजली महंगी कर दी आज, तो ये स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में है। और ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि इन सारी चीज़ों से जब मैं पूछ रहा था मुख्यमंत्री जी से कि इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, मुझे लगता है कि रेवेन्यू जनरेट करने की इनकी ये सारा शोर ज़्यादा है, लेकिन सही मायने में जो बहुत रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जो काम करने की ज़रूरत है, उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, और बहुत थोड़े पैसे से जो लोगों के ऊपर ये बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई प्रदेश की आर्थिकी में सुधार नहीं आएगा। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।